हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे व्लॉग इज समथिंग स्पेशल। मैं आई हूँ अपने मायके में और मैं कल मम्मी पापा को मना रहे थे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है हम लोग साथ में नहीं गए हैं। और जब से शादी हुई है तो आप लोगों ने देखा ही है कि मेरा घूमना बंद बिल्कुल नहीं हुआ है और उन लोगों को टाइम नहीं दे पाई हूँ। जो छुट्टी होती है उसमें बाहर घूमने निकल जाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं एकदम तैयार हूँ फ्रेश सर्वर धोके। मैं जा रही हूँ वृंदावन और ये है मेरा रूम जिसमें अभी आप लोग देख सकते हो हमारी फैमिली बच्चे लगी हुई है और हम लोग एकदम से तैयार हो चुके हैं। तो अभी जा रहे हैं, गाड़ी में बैठते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ दिस ट्रिप इज लिल स्पेशल बिकॉज मैं आफ्टर लर्निंग ड्राइविंग पहली बार जा रही हूँ अकेले ड्राइव करके अपने पेरेंट्स को लेके, श्रुतिज के पेरेंट्स को लेके टू वृंदावन बिकॉज दैट वॉज लॉन्ग ड्यू। तो अभी चल रहे हैं, एंजॉय करते हैं इस ट्रिप को और देखते हैं मेरा अकेले व्लॉगिंग वाला ट्रिप कैसा रहता है एंड वीडियो अच्छी से रिकॉर्ड होती है या नहीं होती है। आई कैन गिव टाइम व्हाइल ड्राइविंग और नॉट, सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। चलो चलते हैं। सो गाइस, ये हो चुकी है गाड़ी की लोडिंग और हमेशा ये तामझाम जो है वो क्षितिज करता है, ये पहली बार मैं कर रही हूँ, सेट कर दिया है। पर्पज़ ऑफ गोइंग टू वृंदावन टूडे इज मेरे ऑफिस के लिए की बेटी का बर्थडे है एंड आई कॉन्ट मिस दैट बिकॉज वी स्पेंड मोर टाइम इन ऑफिस रादर देन एट होम। तो उसके साथ जो टर्म्स हैं थोड़े से अच्छे हैं एंड आई कॉन्ट मिस ट्रैवलिंग एज यू गाइज नो। तो ये चटरम पटरम जो है मैंने सब सेट कर देना है, पीछे जो लोग बैठे हैं उनको खाने को मिल जाए, आगे जो बैठेंगे उनको खाने को मिल जाए। सो दिस इज़ हाउ क्षितिज प्लान एवरी ट्रिप कि हर कोई अपना तरीके से घूम ले। सारे डॉक्यूमेंट्स में कभी चेक नहीं करती मेरे पास आरसी है, लाइसेंस है या नहीं है। सो दैट्स व्हाट एवरीथिंग डज बाय क्षितिज गुलाटी। अभी मैंने सारे दरवाजे खोल दिए थे तो मच्छर घुसने लगे हैं, आई थिंक आई शुड क्लोज इट एंड ओके। मैंने सब चीज़ें चेक कर ली हैं, गाड़ी हो गई है सेट, सिर्फ अभी चेक करना है कि फास्टैग में पैसे है या नहीं है क्योंकि वो क्षितिज के नंबर से अटैच्ड है। ओके, पापा इज रेडी, लेट्स गो। मम्मी आ चुकी है, पापा आ गए हैं। ओके, सो लेट्स सिट इन द कार। दिस इज माय फर्स्ट टाइम व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग अलोन विदाउट क्षितिज एंड घर वालों को लेके जाना एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो गाड़ी हो गई है लोड, मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में, मम्मी पापा बैठ चुके हैं और गाड़ी ओवरलोड हो गई है। सो पापा ऑलवेज मेक फन ऑफ माई मम्मा बिकॉज शी इज हैवी वेटेड। तो मम्मी बोलते पापा जैसे मम्मी बैठती है ना तो उस तरफ का टायर जो है वो नीचे हो जाता है। क्या मम्मी मम्मी थप्पड़ मारेगी मुझे पीछे से, वो तो ठीक है बट मैंने चाबी का रख दिया है। अरे यार पीछे बैग भी रखे, वो देना जरा। ओके तो चाबी मिल चुकी है, आई एम ड्राइविंग नाउ। पापा को थोड़ा समझाना पड़ेगा क्योंकि क्षितिज तो नहीं है जो रिकॉर्ड करेगा। और पापा सीधा कर लो जरा कैमरा को समझाना थोड़ा सा औखा है गए। पापा को गाने नहीं पसंद गाड़ी में, ट्रैवलिंग नहीं पसंद, और पापा और खाना पसंद है बस पापा को, जिस तरीके का जैसा मर्जी खाना खिला दो हमारे पिताजी को सब पसंद है। तो अभी हम चल रहे हैं, अब मैं करूँगी अपने घर पे मम्मी पापा को ड्रॉप, सेकेंड मम्मी पापा। तो अब उनको हमने बोल दिया कि हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, आप लोग रेडी रहो, मैं पहुँची हूँ अगले एक घंटे में आपके पास। तो अब वो तैयार होना शुरू हो रहे हैं, जब तक मैं पहुँचूँगी तब तक वो लोग हो जाएंगे रेडी। सो चलो चलते हैं इस न्यू ट्रिप की तरफ, न्यू ट्रिप और करते हैं कार्यक्रम शुरू। चलो पापा, चल। जय माता दी, जय माता, लेट्स रॉक। ओके सो गाइस, घर का रास्ता दिखा रहा है, ऑलमोस्ट एक घंटा मैं निकल चुकी हूँ और पहुँच जाएंगे ऑलमोस्ट एक घंटे के अंदर। फिर करते हैं ट्रिप का क्या बोलते हैं आगान हिंदी में है, मम्मी मम्मी ज्यादा अच्छी इंग्लिश हिंदी बोलती है, इंग्लिश बोल रही हैं आगाज। ये उर्दू वर्ड है हिंदी वर्ड है हिंदी। चलो ट्रिप का करेंगे आगाज, पता नहीं मेरे पापा सही है गलत है, मुझे बस बोल दे तो मैंने मान लिया। जीवक वाली जो चप्पल है एक तो वो रख देना, एक मेरा चश्मा
और फास्टैग में पैसे अच्छा और कुछ ऑर्डर फास्टैग में पैसे रहते हैं हमेशा अच्छा जी चप्पल चप्पल कौन सी खाली चप्पल है जूती चप्पल जूती नहीं चप्पल सिर्फ सनराइज कितना प्यारा हो रहा है स्काई का कलर कितना सुंदर लग रहा है। सो गाइज मैं हो चुकी तैयार और मैं आ गई हूँ सोसाइटी से बाहर। मम्मी पापा को भी ले लिया है, सेकंड मम्मी पापा को भी ले लिया है। तो अब चलते हैं गाड़ी में, तैयार होते हैं और निकलते हैं। ओके गाइज तो गाड़ी हो गई है लोड, घर वाले बैठ चुके हैं गाड़ी में, अब चलते हैं और गाड़ी रोकेंगे रास्ते में कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वृंदावन थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा शोर है क्योंकि माँ को समझ नहीं आ रहा कि वीडियो बन रही है। माता जी बैठ जाओ, ये मग तो दे दो क्षितिज को। क्षितिज नहीं जा रहा था, हम सब मजाक उड़ा रहे हैं। क्या क्षितिज पापा बन गए फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, सब सब याद आ गया पापा। चलो बाय बाय। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। पापा रास्ता दिखा दो थोड़ा सा, पापा रास्ता दिखाओ थोड़ा सा। अरे अरे पता है क्या था, मैं बताऊं तो पापा को मैंने बना दिया गिम्बल इधर से उधर। मैंने पता है क्या सोचा, वो गूगल वाला रास्ता कह रहे हो। मैं भी मोबाइल डाल रहा था। कि गूगल वाला रास्ते की स्टोरी है कि मेरा जो फोन है वो बता रहा था रास्ता 3 घंटे 6 मिनट का, और पापा के फोन के जीपीएस में था 1 घंटा कुछ मिनट 46 मिनट। तो फाइनली हमें लगा, मैं कहा यार ये क्या लोचा है। आज मुझे फाइनली रियलाइज हो चुका है कि मेरा जीपीएस जो है वो खतरनाक है और बहुत ही वाहियात है। मुझे वापस उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना चाहिए और मुझे फास्टेस्ट रूट जो बताए वही मुझे गूगल बताए। तो गूगल वालों प्लीज मेरे साथ ये अत्याचार मत करो। मम्मी को हंसी आ रही है मेरी बात सुन के और मुझे भी शर्म आ रही है ब्लॉग बनाते हुए सबके साथ। प्लीज मेरा कृपया करके मजाक ना उड़ाए। तो अब पहुंचते हैं किसी मिडवे पॉइंट पे और उस मिडवे पॉइंट पे कुछ खाएंगे। ब्रेकफास्ट किया नहीं है, सुबह से निकले हुए हैं। पहले मैं आई हूँ विकासपुरी से नोएडा मम्मी पापा को पिक करके, और अब मैं जा रही हूँ सीधा वहाँ पे। तो सुबह से बहुत सारी कसरत हो चुकी है, अब कुछ पेट पूजा करेंगे, थोड़ा सा चर लेते हैं तब तक। चलो बाय बाय। ओके गाइस तो हम लोग रुके हैं शिवा ढाबा पे, अब जाके देखते हैं खाना कैसा है। किसी को भूख नहीं लगी थी बट मुझे रुकना था क्योंकि मैं थकावट हो चुकी है थोड़ी सी, और रेस्ट करना, थोड़े पैरों को रिलैक्स देना है। ऑल्दो ऑटोमेटिक गाड़ी में इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है बट स्टिल थोड़ा तो बीच में रुक के जाना चाहिए ना, मज़ा नहीं आता नहीं तो ट्रिप का। चलते हैं कुछ पेट पूजा करते हैं, खाते हैं, और मुझे सामने से वो गवावा दिख रहा है पिंक वाले, तो हम वो खाएंगे। ठीक है पापा। सो दोस्तों मैं खाते खाते ब्लॉग बनाना भूल गई। हम रुके शिवा ढाबा पे, मंगाए हैं पराठे ते मक्खन ते अचार ते चाह कुल्लड़ वाली ते ग्रिल सैंडविच मिक्स पकौड़े और हम लोग सारे इन्जॉय करेंगे ब्रेकफास्ट। किसी को भूख नहीं लगी थी लेकिन अब सब खाएंगे क्योंकि मैंने गाड़ी रोक दिया। ये पापा ने लगाया पराठों पे मक्खन, जे बात ज्यादा नहीं लगता, इसलिए मैंने अलग मंगवाया, ऊपर नहीं रखवाया था। बस पापा लोगों ने मुंह में पानी आ जाना इतना। पापा 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 कितना तो चलेगा ये वो है 10 ग्राम है दोनों का। हाउ इट बढ़िया बढ़िया। मम्मी क्या आया चार का चस्का। आप लोगों को मेरी मम्मी के शरीर को देख के लग रहा होगा ना कि खाते पाते करती हैं। ओके तो मैं ट्राई करती हूँ, होल्ड दिस, मैं ट्राई करती हूँ ये मक्खन के पराठा। शहर में आके
देसी पराठे और देसी अचार और देसी मक्खन के साथ, मज़ा ही आ गया। तली मिठाई पकौड़े भी आ गए हैं। क्या सबसे पहले कौन सा पकौड़ा ट्राई किया जाए? मिर्ची का चाट मसाला, ये कौन सा है? चटनी, क्या चटनी है? चाट के पकौड़े इतने टाइम बाद खाए मैंने, एकदम क्रिस्पी। और मेरी आ गई लेमन टी, फिर मैं चाय नहीं पीती हूँ। सो गाइस, बिल आया 610 रुपए का। हमने ये सब ऑर्डर किया था और ये है रेस्टोरेंट का व्यू, दिखाती हूँ कैसे। ये है शिवा ढाबा, हम एसी हॉल में बैठे थे, बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का है, चल के दिखाते हैं आपको। ₹610 हमने बहुत कुछ खाया है जैसा कि आपको मैंने बिल में दिखाया है, और ये है पूरा व्यू शिवा ढाबा का। यहाँ पे बच्चे की खेलने की जगह भी है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल, आप धूप में, छाँव में, एसी में कैसे भी बैठ सकते हो इस ढाबे पे। बाहर ही कुछ शिकंजी और मोदी नगर की जो फेमस शिकंजी है, जैन शिकंजी इज़ ऑल्सो फेमस वहाँ की। कुल्फी है, चूरन वूरन की शॉप है, बिकॉज रास्ते में जो लोगों को वॉमिटिंग रहती तो उसके लिए शॉप है। सो चलते हैं अब सीधा गाड़ी में और बैठेंगे सीधा मंदिर में जाके थोड़ी शांति में, मम्मी पापा को घुमाते हैं थोड़ा सा वृंदावन। मेरे बाल बहुत ऐसे हुए हैं क्योंकि आज मैं सुबह सुबह नहा के निकली हूँ, और ना ही इसलिए क्योंकि सीधा मंदिर में जाके माथा टेकना था, तो थोड़ा सा माथा टेकने के लिए आप लोगों को फ्रेश होना पड़ता है, पूजा के माहौल में आना पड़ता है। तो मैं आज नहा ही हूँ सुबह सुबह उठ के, सर भी धोया है कि मैं फ्रेश होके एकदम से मंदिर में जाऊँगी। मम्मी आ चुकी हैं, बैठते हैं हम गाड़ी के अंदर।